मैं एससी मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग दशम, विषय हिंदी, पाठ संख्या 12, पाठ का नाम लखनवी अंदाज, लेखक यशपाल, भाग 5। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में उतर जरूर रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, कि वाला शौक फरमाए। लेखक महोदय ने कहा कि ताजे खीरे होने के कारण वैसे उसमें पानी की मात्रा अधिक रहता है और उस पर नमक छिड़ देने से वह और भी उससे पानी निकलने लगा, जिस हाल को देखकर अपने मुंह में पानी उतर आया, यानी खाने की इच्छा जग गई, इच्छा प्रबल हो गई, इच्छा बलवती हो गई, लेकिन इनकार कर चुके थे। कहते हैं नवाब साहब के सामने इनकार कर दिए थे कि नहीं, हम उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इसलिए आत्मसम्मान, आत्मसम्मान का अर्थ होता है अपना मान सम्मान, निभाना का अर्थ गुजारना। कहते आत्मसम्मान, अपना मान सम्मान उसमें गुजारना ही उचित समझा, उत्तर दिया, मतलब उत्तर का अर्थ जवाब, जवाब दिया, शुक्रिया, धन्यवाद, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब का अर्थ जरूरत, महसूस का अर्थ अनुभव। तो इस समय जरूरत अनुभव नहीं कर रहे हैं, मैदा भी जरा कमजोर है, मैदा का अर्थ आमाशय, केवला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सौतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों की ओर देखा। सौतृष्ण मतलब चाह के साथ, संयोग का अर्थ मिलन, ओर का अर्थ तरफ। नवाब साहब ने सौतृष्ण आंखों से नमक मिर्च से के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की तरफ देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ का अर्थ लंबा, निश्वास का अर्थ सांस लेना, हाफी लेना। खीरे की वैसे दंत कथा यह है कि जब शरीर के अंदर प्राणवायु की मात्रा कम हो जाती है, उस समय शरीर उसकी भरपाई के लिए दीर्घ निश्वास लेता है और मुंह के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु लेकर उसकी क्षतिपूर्ति कर लेता है। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। यह सब क्रियाकलाप जो नवाब साहब ने प्रदर्शित किया, यह सब उचित नहीं था, संभव नहीं था, इसलिए कि खीरा कोई वैसा खाद्य पदार्थ नहीं जिसे सूंघ कर उसके स्वाद का रसास्वादन किया जाए, आनंद लिया जाए, या फिर उसके बिगड़ते स्वाद का या तीतापन होने का अनुमान लगाया जा सके। यह सब तमाम बातें नवाब साहब द्वारा दिखाई गई बनावटी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता था, जो कहीं से तर्कसंगत नहीं था। मुंह में भराए पानी का घूट गले से उतर गया, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। यानी नवाब साहब वहां इस बात को प्रदर्शित करना चाह रहे थे कि खीरा खाने योग्य नहीं है और इस बात की दिखावे में विश्वास जताने के लिए वह खीरे के फांक को खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। कहते सुगंध से नाक के पास खीरा का फांक लेते गए और उसके सुगंध से ही उसके रस का आनंद लेते गए और उसे क्रमशः खिड़की के बाहर फेंकते चले गए, जिसके मानवोचित
कोई उपयुक्त व्यवहार उनका नहीं लगा। धन्यवाद।